প্রচার সময় এসেছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে জোটবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। অন্যদিকে তিনি বললেন পাশে থাকার জন্য বিরোধীদের ধন্যবাদ। দেশজুড়ে সংকল্প পদযাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন রাজঘাটে সকালেই। কি বলেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী শুনুন। उनका हम सब धन्यवाद देते हैं और हमें हम सबको एक होना पड़ेगा, इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है। आज इस देश की सारी संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। बहुत गलत हो रहा है अगर आज मेरे भाइयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खतरे में डाल देंगे। ये अफसर हैं यहाँ तैनात खड़े हैं, इसी तरह से इनके भाई सरहद पे खड़े होते हैं हमारे लिए, आज भी अपना खून बहा रहे हैं। क्या इसके लिए, क्या अडानी जी के लिए कि अपने देश के किसान के लिए, अपने देश के गरीब के लिए, अपने देश के छोटे व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम सब अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं मेरे देशवासियों, आंखें खोल लो, समय आ गया है, डरो मत। राहुल गांधी के शब्दों में डरो मत, इनका सामना करने का समय आ गया है। एकजुट हो जाओ, सामना करो, इस देश की सच्चाई को उभारो, इस देश की एकता को बनाए रखो और इस देश को आगे बढ़ाओ।